वो जो बचपन की कहानियों में राजा, उसके बड़े से महल और किलों के बारे में सुना करते थे ना, वैसा ही कुछ था धनकर की मोनेस्ट्री और फोर्ट का भी। सो इन टुडेज व्लॉग यू विल सी अ ग्लिम्प्स ऑफ फर्स्ट किंगडम ऑफ स्पीति। सो एज आई ऑलवेज से, व्लॉग थोड़ा आराम से देखना, मजा आएगा, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग हैं अभी ताबो में एंड दिस इज राइट टू स्पीति। ताबो में हम लोग रुके हुए थे मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस में, जो कि एक्चुअली ये साइड में मोनेस्ट्री है, यहाँ पर गेस्ट हाउस है, मोनेस्ट्री रन करती है इसको। तो यहाँ पर जो लामा जी थे उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग को अगर बुकिंग करनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। तो अब आज यहाँ से निकलने का प्लान है काजा के लिए, देखते हैं काजा पहुँचते हैं कि नहीं। कब से नको से भी काजा पहुँचना था, ताबो में हम लोग पहुँचे हुए, ताबो रुक गए, आज फिर से सोच रहे हैं, पर रास्ते में एक दो जगह और है, विल डिसाइड ऑन द वे, लेट्स लीव। ये थी ताबो मोनेस्ट्री और ये था हमारा स्टे। तो ये मोनेस्ट्री के अंदर ही है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, ये सामने सब रूम्स दिख रहे हैं और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं काजा के लिए। नंबर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाय बाय। बहुत ही बढ़िया सर्विस थी आपकी, मेरा वीडियो देख के और लोग आएंगे ना तो उनको भी वैसी सर्विस देना, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय। तो निकल लिए फाइनली हम लोग ताबो से। ये मोनेस्ट्री में स्टे करने का एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही अच्छा था एंड काफ़ी बजटेड स्टे भी था। तो यहाँ पे हम लोग को रूम मिल गया था 1100 रुपीज़ में ट्रिपल शेयरिंग पर, एंड उसके अलावा खाना पीना वगैरह भी वहीं पर गेस्ट हाउस के अंदर उनका रेस्टोरेंट भी था। तो आराम से मस्त बढ़िया तिब्बतन खाना खाया है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, मोमोज, चाउमीन, थुपका, उसके अलावा इटालियन सब मिल रहा था अंदर, सब कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू विजिट अगेन तिब्बती लैंग्वेज में। तो यहाँ से हम लोग निकल लिए ताबो से। ताबो में एक्चुअली यार मोनेस्ट्री में स्टे करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, एंड इनफैक्ट ताबो भी हम लोग दो दिन रुके, तो पहले दिन जिस दिन पहुँचे थे एंड देन कल पूरा हमने ताबो एक्सप्लोर किया। तो थोड़ा सा टाइम लेके आना चाहिए इन सब जगहों के लिए। मैं देख रहा था काफ़ी सारे टूरिस्ट थे यहाँ पर जो सिर्फ बाहर से फ़ोटो खिंचा के निकल जा रहे थे, लोग एक्चुअली टेम्पल के अंदर भी नहीं जा रहे थे। आगे मिलेगा। तो ताबो मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर उसके अंदर जाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने टाइम में पहुंच गए हो। अंदर एक बड़ा सा रूम है, वहाँ पे बुद्धा जी की स्टैचू लगी हुई है, पेंटिंग्स है हज़ारों साल पुरानी, एंड फोटोग्राफी वगैरह भी एक्चुअली इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि फ़ोटो की जो लाइट होती है उससे वो पेंटिंग्स ख़राब हो सकती हैं। ताबो अगर आ रहे हो तो मोनेस्ट्री के अंदर जो टेम्पल्स हैं, मेन टेम्पल्स हैं, वो मिस मत करना। उसके अलावा ताबो में ये केव्स हैं। ताबो से ही 35 किलोमीटर्स आगे थी ड्यू ममी। तो अगर लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो ताबो का काफ़ी कुछ आपने मिस कर दिया है, डू चेक दैट ब्लॉग आउट। और आज यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं काजा के लिए। ओ ताबो ब्रिज, बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्केप्स हो रहे हैं यार। स्पीति रिवर, ग्रीनरी भी दिख रही है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, एंड स्नो क्लैडेड पीक्स, हाँ लैंडस्केप दिख रहे हैं। स्पीति की ब्यूटी अलग ही है यार। ओ भाई साहब, क्या लैंडस्केप दिख रहा है। पर इस रीज़न में एक्चुअली अभी ड्रोन रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं ड्रोन यहाँ पे भी उड़ा नहीं रहा हूँ। तो ये ताबो से हम लोग निकल के आए हैं करीब 10 किलोमीटर, कुरित करके एक विलेज पड़ा था उसके आगे आए हैं, एंड क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप्स हो रहे हैं यहाँ पे।
फिर स्पीति रिवर का जो टर्न है वो टर्न इतना प्यारा लग रहा है, एंड सामने स्नो क्लैड माउंटेन्स, ब्लू स्काई है और इतने सारे क्लाउड्स। क्या साफ हवा होती है ना इन जगहों की, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, इतना ब्लू स्काई तो दिखते ही नहीं अपने शहरों में। कि स्पीति की सीरीज का शायद ये बेस्ट लैंडस्केप होगा। पीछे का व्यू देखो, ताबो पहुंचते पहुंचते और ताबो के बाद से लैंडस्केप एकदम डिफरेंट हो गए हैं। लुक एट दिस, मतलब ताबो के बाद से एक्चुअली ना ऐसा हो रहा है कि पूरी वैली का व्यू आ रहा है, ओपन वैली पूरी। हिमाचल परिवहन, हिमाचल प्रदेश की रोडवेज की बस भी चल रही है यार। सो क्या अलग टाइप के पहाड़ दिख रहे हैं यार ये। भाई साहब, दिस इज अनबिलीवेबल। तो क्या दिख रहा है यार ये, इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना ये सब कुछ देख के कि क्या रहा होगा, कैसे वो होल्स दिख रहे हैं बीच में चीज़ों में, कैसे ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली बने होंगे, पहाड़ इरोड हो गया या क्या हुआ। बट ब्यूटी ऑफ नेचर इज जस्ट अनबिलीवेबल। ये करीब पिछले 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से ऐसी रोड चल रही है और काफ़ी आगे तक पूरा बना नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा ही ऑफ रोड रास्ता जा रहा है। पर एक्चुअली उतनी कोई ऐसी खतरनाक ऑफ रोड नहीं है, जस्ट सिंपल छोटे छोटे स्टोन्स, ग्रेवल्स, कच्ची सी रोड है ये। एक्चुअली शायद नीचे रोड बनी हुई है पर ऊपर से मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ के आती है, कंकड़ इतने आते हैं, उसकी वजह से पीछे थोड़ी ख़राब थी। तो रास्ता डेंजरस होता है क्योंकि ऊपर से बहुत खतरनाक स्लोपर है और वो कंकड़ गिरते ही रहते हैं। तो अगर कोई भी कंकड़ ज़रा सा भी आपको लगेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी कर सकता है। तो इन रास्तों पे बिल्कुल भी रुको मत, फोटो लेने के लिए कुछ भी करने के लिए, थोड़ा बहुत बस अगर हो सकता है तो ऊपर देखते हुए निकल जाओ, और अगर पत्थर वत्थर गिर रहे हो कुछ भी तो रुक जाओ। तो सिचलिंग विलेज से एक्चुअली धनकर मोनेस्ट्री की साइड में एक कट जा रहा था, तो धनकर मोनेस्ट्री की तरफ हमने रास्ता ले लिया है। काजा यहाँ से 30 किलोमीटर ही दिखा रहा था, पर धनकर मोनेस्ट्री भी मेरे को जाना ही था, लास्ट टाइम नहीं कवर की थी, इस बार सोचा था कि जाएंगे ही। तो फिर देखते हैं, बारिश होने लग गई अचानक से, धूप निकली हुई है और बहुत बारिश हो रही है, तो देखते हैं फिर आज से, तो आज भी काजा नहीं पहुँचेंगे। धनकर मोनेस्ट्री की तरफ ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ना ये व्यू और रिवील होता जा रहा है। लुक एट दिस, ओ वो दिख रहा है धनकर विलेज। तो ये दिख रहा है इस तरफ के लैंडस्केप, और ये दिख रहा है धनकर विलेज और धनकर मोनेस्ट्री। क्या स्काई हो रहा है, क्या कलर्स हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ वो सामने दिख रहा है पूरा धनकर विलेज और धनकर मोनेस्ट्री, एंड ये दिख रही है स्पीति रिवर, पीछे माउंटेन्स, पूरी वैली का व्यू। भाई ये एकदम मैजिकल लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना हम किसी वंडरलैंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये पहुंच गए हम धनकर। तो रास्ते में मौसम थोड़ा खराब हो गया था एंड धनकर के व्यूज इतने जबरदस्त थे दैट वी थॉट कि धनकर में ही आज का स्टे तो कम से कम बनता है। तो ये जो मेरे पीछे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ताशी खंसर होटल और यही है धनकर मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस भी। तो ताबो में भी हम लोग मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस में रुके थे, धनकर में भी मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं। तो ये रहा मोक्तिक का डॉम बेड, यहाँ पर डॉम बेड से भी सामने पूरा मोनेस्ट्री का व्यू है एंड ये रहा हमारा रूम, हमारे रूम से भी लुक एट दिस व्यू। ये है सामने पूरी धनकर मोनेस्ट्री एंड उसके ऊपर जो सनसेट से ऑरेंज कलर का स्काई हो रहा है भाई एकदम वंडरलैंड लग रही है। तो ये धनकर मोनेस्ट्री का और धनकर फोर्ट का व्यू है हमारे रूम से। तो ये एक्चुअली पूरा पैलेस टाइप का बना हुआ है, 17th सेंचुरी में यहाँ पर जो रूलर होते थे उस टाइम पर स्पीति की ओल्ड कैपिटल था धनकर। धनकर का ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा था एंड यहाँ से एक्चुअली वो एनिमीज से स्पोर्ट से अपने पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। सो दैट इज वाई ये पूरा जो एरिया है इसको अगर आप देखोगे तो ये एकदम पुराने टाइप के फोर्ट और किसी बड़े से महल का बर्ड लगता है पहाड़ों के बीच। Look at this view. वो सामने पूरी धनकर मोनेस्ट्री दिख रही है एंड वहां से हल्का सा रेनबो आ रहा है। वाओ। चलते हैं फिर मोनेस्ट्री तक। एंड सर जहां पर हम लोग रुके हुए मोनेस्ट्री वाला गेस्ट हाउस ये सामने के व्यूज है और इसके जस्ट पीछे की तरफ मोनेस्ट्री है। वो सामने दिख रही है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस जो होते हैं वो मोनेस्ट्री के एकदम पास में ही होते हैं। ताबू में तो एग्जैक्टली मोनेस्ट्री के बगल में ही गेस्ट हाउस था, यहाँ पर बस आधा किलोमीटर दूर है। तो जहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ पे आगे नई मोनेस्ट्री बन रही है एंड ये है धनकर की पुरानी मोनेस्ट्री धनकर हाइट्स। यहाँ से भी व्यू सही है। तो क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर लग रहा है इस मोनेस्ट्री का यार। एंड इफ यू सी बड़ी बड़ी रॉक्स दिख रही हैं मिट्टी की एंड उसी की वॉल लेके मोनेस्ट्री की वॉल्स भी हैं। कितनी ऊंची ऊंची रॉक्स हैं और ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, पता नहीं कैसे टिकी हुई हैं ये इतने हजारों सालों से। हम लोग लखनऊ शहर है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो यहाँ इसके बारे में बताइए कैसा बना हुआ है, कुछ नीचे लिखा हुआ था लोटस के शेप में बना हुआ है, कितना पुराना है। तो ये तो बहुत पुराना पुराना साल तो पता नहीं सकेगा। ये हम तीनों बुज्जी है ना, थोड़ा थोड़ा पता है। ये जो यहाँ एक औरत है ना ये छोटी है ना तो नहीं पता। यहाँ हमारे लाहौल स्पीति हिमाचल में बड़े बड़े मंदिर 5 है। सबसे पहले मिलेगा आप लोगों ताबो, तब ये से आगे आगे हमारे धनकर मंदिर, ये नाम है धनकर मिनिस्टर। धनकर का मतलब क्या होता है? धनकर का मतलब गांव का नाम है धनकर। ज्यादा बनाने बता देगा तो हिंदी नहीं आता है ना, ये तो बहुत बताना था। कर धनकर का मतलब बता दीजिए। धनकर का मतलब बता दिया, धनकर का मतलब बताओ। कोई नहीं बता रहा भाई हमको। बताओ बताओ। डाकर मतलब जो हमारे पहाड़ होते ना उसको स्पीति भाषा में डाक मतलब वो बोलते हैं। पहाड़ हर मतलब राजमहल होते हैं। खर मतलब राजमहल। हाँ जी राजमहल। हमारे अभी टिबेटन में खर मतलब राजमहल को बोलते हैं।
फिर वो पहले पहाड़ों के ऊपर बना हुआ महल, इसलिए डाकघर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर अब धनकर फोर्ट के लिए। वो भी यहाँ से दिख रही है रॉक्स, नीचे तक देखो सिंगल रॉक आ रही है मिट्टी की, पता नहीं कैसे देखने में तो मिट्टी लग रही है, कैसे टिके हुए हैं ये हजारों सालों से। ये ऊपर जा रहा है व्यू पॉइंट का रास्ता, एंड लुक एट दैट, यहाँ पर भी सब वही मिट्टी की रॉक्स है, एंड ऊपर ऊपर जाके कुछ कुछ कमरे बने हुए हैं। ये दिख रहा है पूरा पूरा धनकर का व्यू, एंड ये जा रहा है व्यू पॉइंट का रास्ता, वो शायद ऊपर दिख रहे हैं धनकर फोर्ट, तो वो गांव में जाके है। एंड बीच बीच में कहीं कहीं पर रॉक्स से ही एक एक साइड लेके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एंड दिस लुक्स अमेजिंग। एक्चुअली एकदम एक पुराने किंगडम टाइप की फील है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा कमरा टाइप बना हुआ है, जैसे आप धूप से इस तरह आते हो, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, तो मस्त एकदम ठंडक लगती है। कहाँ जा रही है और ऊपर क्या है ऊपर? एंड दिस इज द व्यू पॉइंट, एंड यहाँ से दिख रहा है पूरा पूरा नीचे का व्यू, स्पीति रिवर, सारे पीक्स पर स्नो, एंड नीचे पूरा विलेज। एंड ये देखो स्ट्रक्चर्स जो रास्ते में आते हुए देखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स दिख रही हैं। तो ये अभी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है धनकर मोनेस्ट्री के ऊपर जो व्यू पॉइंट है, मेरे पीछे जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज धनकर फोर्ट। तो धनकर होती थी स्पीति की कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल जब यहाँ पर किंगडम था, एंड तभी ये पूरा जो बना हुआ है मोनेस्ट्री भी और फोर्ट भी, ये पूरा एकदम पुराने किंगडम की वाइब देता है। सामने वो जो जरा सा व्यू दिख रहा है वो था वो व्यू पॉइंट, और ये आ रहा है फोर्ट का रास्ता। एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, तो पुराना सा एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड लुक एट दैट, वो रोड जा रही है आगे कहीं एक दो विलेजेस, लालुंग वगैरह कुछ विलेजेस और पता लगे हैं वहां के लिए। एंड ये है फोर्ट, फोर्ट के टॉप पर आ गए हम लोग, वो सामने दिख रही है मोनेस्ट्री, यहाँ से पूरा 360 व्यू है। यहाँ पर आकर वो फीलिंग आती है ना कि सेंचुरीज पहले जब किंगडम्स वगैरह होते थे तो उस टाइम पर लाइफ कैसी होती थी। तो कुछ लोकल लोगों से हम लोगों ने बात भी की, यहाँ पर आसपास कुछ विलेजेस वगैरह भी हैं, अनएक्सप्लोर्ड है, ओल्ड काजा रूट है, यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे के ट्रैक के बाद धनकर लेक है जो कि काफी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो बहुत सारी जगह, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन स्पीति सीरीज। सो होपफुली यू गाइस आर एंजॉयिंग स्पीति सीरीज, एंड अगर मजा आ रहा है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेरी बिलोंग, कीप रेडी, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।